भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव शुरू है। अयोध्या के सभी 55 घाटों पर दिए जगमगाने लगे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूं कि ये राम कथा पार्क घाट है, यहां दिए जगमगाने लगे हैं और जो वॉलंटियर्स हैं वो दीपों को प्रज्वलित करने में लगातार लगे हुए हैं। 31,000 से ज्यादा वॉलंटियर दीप को प्रज्वलित करने में लगे हैं और 55 घाटों पर 28,00,000 से ज्यादा दिए लगाए गए हैं। पिछला जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा, 22,00,000 से ज्यादा दिए पिछले साल के दीपोत्सव में जलाए गए थे और इस बार 25,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। अगर 25,00,000 दिए प्रज्वलित हो जाते हैं तो एक विश्व कीर्तिमान बनेगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पदाधिकारी और तमाम उसके लोग मौजूद हैं और वो लोग दियों की काउंटिंग में भी लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ सहित तमाम उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी और मंत्री यहाँ मौजूद हैं। वो रामकथा पार्क घाट है, आप देखें कि दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं और इस बार उत्साह उमंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनने और भगवान राम के विराजने के बाद ये पहला दीपोत्सव है, पहली दिवाली है। लिहाजा लोगों में गजब का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है और सिर्फ घाटों पर 28,00,000 दिए लगाए गए हैं। अगर राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी या अयोध्या नगर की बात की जाए और वहाँ जो दीप लगाए गए हैं तो दीपों की संख्या 30,00,000 से ज़्यादा हो रही है, यानी इस बार सभी पिछले रिकॉर्ड अयोध्या में टूट रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरों के जरिए आपको इस रामकथा पार्क घाट को दिखाता हूँ। उसी तरीके से अयोध्या के सभी 55 घाट जगमगा रहे हैं लाखों दिए से। हजारों जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, खासतौर पर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है उसके छात्र इसमें सबसे ज्यादा हैं, वो लोग लगे हुए हैं दीपों को प्रज्वलित करने में। और ये लगभग 4 दिनों से ये तैयारी चल रही थी और पहले दीप सजाए गए, फिर उसमें बाती और तेल डाले गए और वक्त होते ही दीपों को प्रज्वलित कर दिया गया। और एक भव्य उत्सव अयोध्या में पिछले 8 वर्षों से हो रहा है, ये 8वां दीपोत्सव है। लेकिन इस बार का, जैसा मैंने पहले कहा, कि सबसे खास है, अहम है, लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। लोगों में एक अजीब सी बात देखने को मिल रही है, लोगों का कहना है कि 500 साल के बाद ये अवसर आया है कि जब राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो और वो लोग दीपावली मना रहे हैं। लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या पधारे थे तो उस खुशी में तब दीपावली मनाई गई थी, तब से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये अवसर बहुत ही ऐतिहासिक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बात का दीपोत्सव भव्य है, दिव्य है, ऐतिहासिक है और दुनिया के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव शुरू है। अयोध्या के सभी 55 घाटों पर दिए जगमगाने लगे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूं कि ये राम कथा पार्क घाट है, यहां दिए जगमगाने लगे हैं और जो वॉलंटियर्स हैं वो दीपों को प्रज्वलित करने में लगातार लगे हुए हैं। 31,000 से ज़्यादा वॉलंटियर दीप को प्रज्वलित करने में लगे हैं और 55 घाटों पर 28,00,000 से ज़्यादा दिए लगाए गए हैं। पिछला जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा, 22,00,000 से ज़्यादा दिए पिछले साल के दीपोत्सव में जलाए गए थे और इस बार 25,00,000 से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। अगर 25,00,000 दिए प्रज्वलित हो जाते हैं तो एक विश्व कीर्तिमान बनेगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पदाधिकारी और तमाम उसके लोग मौजूद हैं और वो लोग दियों की काउंटिंग में भी लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ सहित तमाम उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी और मंत्री यहाँ मौजूद हैं। वो रामकथा पार्क घाट है, आप देखें कि दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं और इस बार उत्साह उमंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनने और भगवान राम के विराजने के बाद ये पहला दीपोत्सव है, पहली दिवाली है। लिहाजा लोगों में गजब का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है और सिर्फ घाटों पर 28,00,000 दिए लगाए गए हैं। अगर राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी या अयोध्या नगर की बात की जाए और वहाँ जो दीप लगाए गए हैं तो दीपों की संख्या 30,00,000 से ज़्यादा हो रही है, यानी इस बार सभी पिछले रिकॉर्ड अयोध्या में टूट रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरों के जरिए आपको इस रामकथा पार्क घाट को दिखाता हूँ। उसी तरीके से अयोध्या के सभी 55 घाट जगमगा रहे हैं लाखों दिए से। हजारों जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, खासतौर पर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है उसके छात्र इसमें सबसे ज़्यादा हैं, वो लोग लगे हुए हैं दीपों को प्रज्वलित करने में। और ये लगभग 4 दिनों से ये तैयारी चल रही थी और पहले दीप सजाए गए, फिर उसमें बाती और तेल डाले गए और वक्त होते ही दीपों को प्रज्वलित
कर दिया गया और एक भव्य उत्सव अयोध्या में पिछले 8 वर्षों से हो रहा है, यह 8वां दीपोत्सव है। लेकिन इस बार का, जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे खास है, अहम है, लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है, लोगों में एक अजीब सी बात देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि 500 साल के बाद यह अवसर आया है कि जब राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो, और वो लोग दीपावली मना रहे हैं। लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या पधारे थे तो उस खुशी में तब दीपावली मनाई गई थी, तब से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये अवसर बहुत ही ऐतिहासिक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बात का दीपोत्सव भव्य है, दिव्य है, ऐतिहासिक है और दुनिया के सारे